अपने घर से दूर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए हरे भरे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। चार भाई ना है, चारों अलग अलग रंग है, दो भाई आए जाना चार लाना इन राजिया में चौदह सदी मत का हाओ बैठा हाओ बकर आख लो रपा पा लड़ी पंजी था अंतर सी साल लड़ दस था खाना खर्चा रोटी कपड़ा सीधा पूरा खर्च असली महीना रोज छुट्टी बड़ी मुश्किल दान लाओ लाओ तरफ पे ना ढाई महीने लाओ रही खड़े आया अबे अपनी चौबी दार मना है ग्रां तो दूर न अबे महीने बाद सुता हूँ रे अक्टूबर नवंबर में बनो प्लेन लाख के चढ़ गाना कजो की अबे यहाँ पे गान ये लोग अधिकतर अपना गुजारा बकरी से प्राप्त दूध और मक्के की रोटी से करते हैं। परंपरा बनाई नहीं दाड़ी ना बनाई सकते गाल माल ना कटी सकते गुट तो बगैर जानी कि लैटरिन बाथरूम कोई ना कर सकते गुट्ठों में कर करना ते रोटी जी सो दो टाइम पकनी रे गारा जो गाने का मतलब लून खर्च भी लेना दाना जो टीके भी लेने रात में ये लोग लकड़ी जलाकर अपना भोजन बनाते हैं और रिहायशी इलाकों से दूर होने की वजह से यही आग इनकी जंगली जानवरों से भी रक्षा करती है। ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਲ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਡਾ ਉਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਚੱਲ ਡੈਡੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਵੇ ਤਰੰਗੜੀ ਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣੂ ਵੀ ਚੌਰ ਸੀ सोने के बाद इनके पाले गए कुत्ते पहरेदारी करते हैं। गडरियों को अपने बर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान धोने पड़ते हैं। ये बर्तन गोलाकार होते हैं ताकि इन्हें आसानी से धोया जा सके। ये बर्तन लोहे के या कठोर धातु के बने होते हैं ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। ये
सबसे सशक्त बकरियों पर सोने के कंबल तथा दूसरा माल लादा जाता है ताकि गडरियों को ज्यादा वजन ना उठाना पड़े। ये अपने परिवार के पास 3 महीने में एक बार जाते हैं। यातायात साधनों और पक्के रास्तों के अभाव में पहाड़ से घर तक की पूरी यात्रा पैदल ही होती है। जो तरकी जोरी जो मत छेड़े मेरे आ प्यारुआ, जो तरकी जोरी जो दिल्ली पलंग घरवाला जब पता सुधे आए बेगत रही महीने बाद फिर नामो आज चावल डेट दे रही है हमारा बुने घरवाले भी लगू रहे थे अबे जब पता पुजीन दाजी का पुजीन दाजी का पुजीन दाजी पत्ता चलेंगे। घर पर पत्नियां गडरिये के आने की खुशियां मना रही हैं। राजेंद्र की पत्नी इंतजार कर रही हैं। वो जानती हैं कि 4 महीने दूर रहने के बाद उनका पति आज वापस घर लौटेगा। बर्फ झड़ी लगने ता फिक्र लागंदा इन पानी दीना बराखा सु अंदर सोना हुक्के बिछाणा मा सो फिक्र लाग रंदा बर्फ झड़ी जा कतरे होना है भाड़ा न गरम बुंदी आ रहे गालड़ू चादरी बना उरे बुंदे 10 दिहाड़े तक बरखा लगी दे ता ही इतना हेड़ा ना यो पेगा छबसा के कोई फर्क ना पड़े आग फिक्र लागंदा सियो जानवर पे सकंदा सो गया ता फिर सो लेगंदा पैरू वो सकंदे मानु जो पेगा अच्छा जानवर खाता है कुत्र पाड़े चोर चोर लूंडे दूध दरे खंदे ना रात जानवर नेड़ी नेरे मतलब ना डेरे ही नेरे मतलब ना मरता ही अक नेड़ पाड़ चालन नाड़ा कुपड़ा रे डार सो फिक्र लागंदा नाड़ा कुपड़ा जा महाराज दाने देवते इनते कुल देवते सब की बिंदा चलो जा ग्रहण ग्रहण दस को डाल सात घंटे लगातार चलने के बाद आखिरकार राजेंद्र अपने घर पहुंच गए। क्या हाल है काले आ परुआ केन को बनते है केन को बनते होई खरे न उनके पोते उन्हें देखकर बहुत खुश हैं और सम्मान पूर्वक उनके पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है पढ़ाई तो ही करे बस आओ घर पढ़ूंगा। हाँ जी ए आए मेरी मारे चले 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 कन गागड़े क्या जी हाँ पिट्ठी ले 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 और खड़ा तू ठीक है
ਲੈ ਰਾਜ ਠੀਕ ਰਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ 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 ਆਯੋ ਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਕੰਦੇ ਤੇ ਕਮਾਣ ਦੇ ਹੂਰੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਵਧੀਆ ਖਰੇ ਰਹਿ ਬਰਸਾਲ ਹੈ ਖਰੇ ਰਹਿ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰੇ ਹਾਂ ਖਰੇ ਜੀ ਪੋਜੀ ਪੈ ਗਾਰੇ ਦਾ ਖਰੇ ਹੋਰ ਖਰੇ ਰਹਿ राजेंद्र के दोस्त उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनकी वापसी की खुशियां मना रहे हैं। चक्कर डी मंजो जनरल थर्टी नाइन लिब का जोर कैंप का है मुझे अवार्ड मूर आए ठेरा प्रशंसा पत्र ताई जनवरी 1995 जाऊं रिटायर बच गो रिटायर होने बाद दो साल हम कर रहे हैं। आर्मी से रिटायर होकर राजेंद्र ने काम करने की सोची। उन्हें कई प्रकार के प्रस्ताव भी आए मगर जब उन्होंने देखा कि उनका पुश्तैनी काम जो भेड़ बकरियां चराने का है उस पर आजकल के नौजवानों की अधिक रुचि नहीं है और साथ ही वो कार्य दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है तब उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को चराने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि भेड़ को पालना कितना उपयोगी है और साथ ही भेड़ की ऊन से कितने लोगों को काम व व्यवसाय भी मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऊन का कारोबार कैसे चलता है तथा उसमें कितने लोग कार्य करते हैं। भेड़ों को उनकी ऊन के लिए पाला जाता है। ऊन को हाथ और मशीन दोनों से ही निकाला जाता है। पहाड़ी इलाकों में जहां पर बिजली का साधन नहीं है वहां हाथों से ही ये काम किया जाता है। भेड़ से ऊन साल में 2 से 3 बार ही निकाली जाती है। एक भेड़ से एक बार लगभग 1.5 से 2 किलो ऊन प्राप्त की जा सकती है। निकल जाने के बाद भेड़ भी हल्का महसूस करती है और जो लोग ऊन निकालने का कार्य करते हैं ये उनका पुश्तैनी कार्य है व यही उनकी जीविका है। ऊन को उनके रंगों के अनुसार ऊनी थैलों में भरकर पहाड़ों से नीचे की तरफ लाया जाता है। ऊन निकालने के बाद पहले चरण में ऊन की सफाई तथा ऊन को नर्म किया जाता है। पहले ये काम हाथों से किया जाता था पर बाद में इसके लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रश को ऊन में कंघी की तरह चलाकर उसे नर्म किया जाता है।
आधुनिक विकास के चलते अब इस काम को पानी और बिजली से चलने वाली मशीनों द्वारा किया जाता है। अब लोग भी हाथ के बजाय मशीनों का प्रयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत के साथ साथ काम की दक्षता भी बढ़ जाती है। ऊन अब सूत में काटे जाने के लिए तैयार है। ये कार्य चरखे की मदद से किया जाता है। काटते समय दो प्रकार के सूत प्राप्त किए जाते हैं, पक्का सूत और कच्चा सूत। यहाँ पर औरतें अपने मन की बातें भी कर लेती हैं और नए नए गीतों का भी निर्माण कर लेती हैं। पक्के सूत को चरखड़ी पर हाथों से मिलाकर और पक्का किया जाता है। सूत को पक्का बनाने के लिए लकड़ी से बने तंतु का प्रयोग किया जाता है। अब सूत से किसी भी प्रकार का उत्पाद तैयार किया जा सकता है। उत्पाद की लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए लकड़ी के लट्ठे का प्रयोग किया जाता है। इस लट्ठे को उत्पाद की रूपरेखा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सूत को लट्ठे से निकालकर हथकरघे पर लगाया जाता है और इसी पर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है। कच्चे सूत को हथकरघे में इस्तेमाल करने के लिए एक तुरी में भरा जाता है।
सूत की बुनाई हथकरघे पर शुरू होती है। तानों के धागों से बुनाई की नली को बारी बारी से निकाला जाता है। पैरों के तालमेल के साथ तानों के धागों को भी ऊपर नीचे किया जाता है। हर प्रकार की क्रिया एक योग्य व्यक्ति अपनी कुशलता के अनुसार करता है। तैयार उत्पाद अब घना बुना हुआ ऊनी कपड़ा है। ऊनी कपड़े को पूरी तरह गर्म पानी में डुबाकर साफ किया जाता है। ये प्रक्रिया कपड़े को अधिक घना और मजबूत बनाती है। इस प्रक्रिया से कपड़े में जलरोधक क्षमता पनपती है। अब इस कपड़े को बर्फबारी या बारिश में इस्तेमाल किया जा सकता है। धोने के तुरंत बाद कंबल को खींचना पड़ता है ताकि इस पर बनी सिलवटों को हटाया जा सके। इसके बाद इसे धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। अब ये कपड़ा इस्तेमाल के लिए तैयार है। ਅਵੇ ਮੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਉੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਈ ਬੈਠ ਆਗ੍ਰਿਟ ਇਹ ਦਰਜੀਆਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਪਾਣੀ ਗਾਣ ਚੋਲ ਅੱਛਾ ਪੱਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਸਿਆ ਕਰੇ ਚੋਲ ਡਾਕਾ ਹੀ ਬਣਨੀ ਡੋਰਾ ਕਾਲੀ ਉੱਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਰ ਬਣਾ ਉਹ ਲੈ ਇਹ ਚੋਲ ਡੋਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਲਚਰ ਮਾਏ ਦਾ ਨਸ਼ ਤੇ ਲੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਵੇ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਨਾਤਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਆ। चोलू गद्दियों का पारंपरिक पहनावा है। ये सफेद सूत से बनी सफेद पट्टी का बना होता है। इसे सिर्फ हाथों द्वारा ही तैयार किया जाता है। चोले का पहनावा गद्दियों के लिए एक सम्मान की बात है। किसी समारोह या मेलों के दौरान घर का हर एक मर्द चोला पहनता है और कमर के चारों तरफ एक काले रंग की रस्सी बांधी जाती है जिसे डोरा कहते हैं। ये पूरा पहनावा एक पगड़ी के साथ संपूर्ण होता है। सभी मर्द सांस्कृतिक मेलों और समारोह में क्षेत्रीय नाच के लिए एकत्रित होते हैं जिसे गद्दी लोक नृत्य भी कहा जाता है। चोले में परिवर्तन भी कर दिए हैं। इसे ज्यादा रंगीन और आकर्षक भी बना दिया है।
गद्दी समुदाय की नई पीढ़ी ने बाहर निकलकर दूसरे व्यवसायों को अपना लिया है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने पूर्वजों की विरासत को जारी रखा है। भेड़ों की ऊन निकालने से भेड़ों को गर्मी से निजात प्राप्त होती है और आदमी ऊनी कपड़े पहनकर ठंड से अपना बचाव करते हैं। जो भी ये कार्य कर रहे हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि इस कार्य को छोटा ना समझें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऊन मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है और साथ ही ये कार्य स्वदेशी भी है। भारत में जिस विदेशी ऊन का आयात होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इन भेड़ पालक समुदायों को उच्च सुविधा प्रदान की जाए ताकि इनकी परंपरा लुप्त ना हो जाए। इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए हम राजेंद्र का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।